नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड में। सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए 24 अप्रैल 11 AM पर अनअकैडमी अल्ट्रा कम्बैट स्टार्ट हो रहा है। इस लाइव टेस्ट में 60 मिनट में QA और रीजनिंग से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करते हुए 100% स्कॉलरशिप, मैकबुक, आईफोन, आईपैड और अमेजन बाउचर जैसे ढेर सारे प्राइज जीत सकते हैं। यह टेस्ट अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 की प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हैं। इस कम्बैट में इनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आपको टेस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से कम्बैट दिख जाएगा। कम्बैट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि आपको इनरोल नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कूपन कोड में अंजनी10 टाइप कर देना है। आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से अंजनी10 टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको इनरोल पर क्लिक कर देना है, आप इनरोल हो जाएंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके अभी के अभी इनरोल करें। तो आप देख सकते हैं कि यह जॉब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से अनाउंस की जा रही है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 22 अप्रैल से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, और 11 मई 2022 को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। नेम एंड नंबर आप पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के लिए जॉब है। फर्स्ट जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर। इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए आपका बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 55% होना चाहिए, और फ्रेशर कैंडिडेट यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वे भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको जॉब मिलती है तो 30,000 पर मंथ सैलरी के साथ साथ ढेर सारे अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। अपर एज लिमिट 30 है। ST SC OBC को एज में छूट दी जाएगी। एज काउंटेड 11/5/2022 है। नेक्स्ट यदि हम सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए दो पोस्ट पर वैकेंसी है। यदि हम फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। यदि आपको यह जॉब मिलती है तो 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और इसके साथ साथ TA DA HRA जैसे ढेर सारे अलाउंसेस भी आपको मिल जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में मिनिमम 55% होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ किस स्टेट के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है उसकी लिस्ट भी यहाँ सामने दी गई है। अपने स्टेट के अनुसार इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए एक पोस्ट और है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर यानी कि इसी पोस्ट पर ही आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब अनाउंस की गई है। क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आप जिस पोस्ट से हैं उसमें आपका बीई या फिर बीटेक मिनिमम 55% के साथ होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैनेजर सिविल की पोस्ट है। टोटल नंबर आप पोस्ट 15 है, और यदि आपको यह जॉब मिलती है तो भाई साहब 50,000 यानी कि 50,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि TA DA HRA जैसे अलाउंसेस भी आपको मिल जाएंगे। बट इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। और इसी पोस्ट पर आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 5 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी है, और इस पोस्ट पर यदि आपको जॉब मिलती है तो 70,000 पर मंथ आपको मिलेंगे,
और इसके साथ साथ आपको अलाउंसेस भी दिया जाए। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस आपके पास 9 ईयर का होना चाहिए। तो यदि आपका कोई जानने वाला हो तो आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम एक्सपीरियंस रिक्वायर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल के लिए कि किस टाइप का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपनी ब्रांच अनुसार एक्सपीरियंस क्या है पूरा एक एक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम आपको बता भी देंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाके आप कैरियर के ऑप्शन में जाके रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके क्वालिफिकेशन परसेंटेज और इसके साथ साथ आपके एक्सपीरियंस के आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपको यह जॉब मिल जाएगी। और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर रिटन एग्जाम भी रखा गया है जो कि ऑप्शनल है। अब चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन को किस तरीके से डाउनलोड करना है और इसके साथ साथ फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में ही एक फॉर्म अप्लाई का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, नेम, फादर नेम। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है उसको आप फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद इसको आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।